की हाल ने जी। हुण आपां पहलां एंट्री करदे आं इधर वाले गेट तो दरबार साहब दे, इत्थों आपां एंट्री करदे आं ते अंदर जाके सानूं भी दिखाउणे आ किहड़ियां कुछ कुछ थावां ने जिहड़ियां लोकां वल्लों अणगहिलियां कीतियां जांदियां ने दरबार साहब च। सब तो पहला जो आप दरबार साहब च एंट्री करते हैं ये पौड़ियाँ दर्शाउंदियां ने जिहड़ियां भी चारे गेटा दियां जिहड़ियां पौड़ियाँ नीचे उतर के दरबार साहब दे विच आया जांदा। ये पौड़ियाँ ये दर्शाउंदियां ने कि यह निम्रता का प्रतीक है कि इत्थे हरेक बंदा आने वाला थले नीचे उतर के आऊगा, ये निम्रता का प्रतीक दसदियां ने पौड़ियाँ। तो हुण आपां इधरों परिक्रमा इधर वल नूं शुरू करते हैं, इधर वल नूं परिक्रमा शुरू करके दसांगे जो जो कुछ भी आऊगा तो जो जो थावां ने जो लोग नहीं करते गौर उन्हां थावां वल। यह हैगा म्यूजियम अजायबघर, ये हले खुल्लिया नहीं, जो खुलेगा तुहानूं उदों दिखावांगे। एक होर दरबार साहब के अंदर इंट्रस्टिंग चीज़ जो आप अक्सर ही अणगहली करते हैं तो ये वो पिलर ने जो दरबार साहब के अंदर पहली बार इलैक्ट्रिसिटी आई सी। तो ये इलैक्ट्रिसिटी आई सी मेरे हिसाब न 1896 ईस्वी तो यह सेवा करवाई गई थी सुंदर सिंह मजीठिया जी वालों। देखो उन्होंने पुरखे किन्ने वधे किन्निया सेवावां करते दरबार साहब लई। तो ये पिलर उस टाइम काफ़ी चर्चा के भी रहा क्योंकि कुछ कु लोग कह रहे थे ये पिलर नहीं लगने चाहिए क्योंकि परमात्मा की आपदा ही इन्ना चानण हुंदा ते उस टाइम ये पिलर की लोड़ की सी। पर खैर फिर भी दरबार साहब के अंदर इलैक्ट्रिसिटी की लोड़ सी तां करके ये पिलर उस टाइम लगाए गए। देखो इन्ने पुराने पिलर ने जिहड़े आ तुसीं दिहाड़ी लगे गेट चांदे देख रहे हो ये सिर्फ 3-4 साल पहले ही लगे ने। इतों पहला महाराजीत सिंह ने आपदे राज गेट लवाए हुए थे तो वह गेट हैगे सी सोमनाथ मंदिर के क्योंकि सोमनाथ मंदिर किसी मुगल राजे ने लुट रहे तो उन्होंने गांह सिखा ने लुट रहा उ गेट रख ले सके तो इतों बाद हूँ गेट बदल दिए गए 3 साल पहले। जो तुम मत्था टेकन जाओगे ना खब्बे पासे रहो उतू ना विचाले जाके एक घड़ी दिखूगी। ये घड़ी का किसी पता नहीं होंगे की है आप देख के छड़ जाने सिर्फ घड़ी एक चीज़ है एक तांबे की पर असल में पहली घड़ी सी टाइम देखने वाली। तो सुंदर सिंह जी मजीठिया वालों भेट की गई सी दरबार साहब न यह लैफ्ट हैंड साइड आ यह टाइम देखने वाली घड़ी सी उस टाइम यह घड़ी तो टाइम देखा जाता सी। जेड़े ना अपने दोहे दरवाजिया टाइम पीस लगे हुए ने दरबार साहब के कुछ मेरे वीर समझ नहीं पाते ये 5 मिनट का फर्क है घड़ियों के 5 मिनट का फर्क तो जी 5 मिनटा बाद अकाल तख्त साहब से अरदास होंगी 5 मिनट पहला दरबार साहब अरदास हो जाती है ये मतलब इन्होंने घड़ियों का। हाँ ना दरबार साहब के गेट उत्ते बहुत ही सोहनी चीज़ लिखवाई गई है महाराज रणजीत सिंह जी वालों कि यह सेवा मैं नहीं की मेरे तो परमात्मा ने ली है। तो हूँ आप चलते हैं दरबार साहब के फस्ट फ्लोर से। देखो फस्ट फ्लोर चलते चलते देखो कितनी सोहनी हत्थां नाल कढ़ाई की हुई है कंधां दे छत्तां दे किते किते देखो हत्थां नाल कढ़ाई की हुई है पर मोस्ट ऑफ दी थां हुण ना ये कढ़ाई सारी शीशे उत्ते कर रही है। देखो तुहानूं वीडियो दे विच दिख रही हूँ हुण शीशे दे अंदर करती क्योंकि उस टाइम की कढ़ाई हुई है हत्थां नाल हुणे टाइम पै के खराब होने लग गई। तो हुण ये चीज़ नूं बने रखण वास्ते प्रबंधक कमेटी ने ना एक फैसला लिया इहनूं शीशे दे अंदर करता क्योंकि ये खराब ना हो क्योंकि पहला हत्थ लगदी आ देखो विंडोआं थ्रू आप बाहर भी देख सकते हैं पूरे आसे पासे देख सकते हैं। देखो विंडोआं भी दित्तियां ने देखो हुण अगे अगे चल के देखो नाल आप अंदरले पासे भी देखो जिथे दरबार साहब है आ देखो इधरली साइड विंडो सीगी आ रहा इदा। तो हुण आप चलते हैं दरबार साहब के सैकेंड फ्लोर से। देखो दरबार साहब सैकेंड फ्लोर से चलते चलते देखो आ कढ़ाई सारी हत्थां ने की हुई खराब हैगी थोड़ा पहला दस ना कढ़ाई खराब होने लगी तो करके शीशे के उत्ते करती ये देखो आ सारी कढ़ाई खराब हुई हुई है उन्हें ता करके वो शीशे के अंदर की है। आ रहा दरबार साहब का जमा टॉप फ्लोर इतों देखो आप अकाल तख्त साहब नहीं देख सकते अकाल तख्त साहब तो दरबार साहब देख सकते हैं क्योंकि किसी सियासत का परछावा दरबार साहब के उत्ते नहीं पैना चाहिए ये ता करके ये उस टाइम च ये चीज़ माइंड नज़र रख के बनाई गई है। ये आप कदे भी नहीं भूल सकते ये वो जख्म ने जिहड़े हमेशा हरे ने यह जगह उत्थे जो अकाल तख्त साहब के नाल गेट जो बाहर वाले जाने वो उत्थे ने गोलियां दे निशान तुसी भी जाके देख सकते हो ये आप कदे भी साका होया भुल नहीं सकते बहुत दुख हुंदा है चीज़ां देख के।
हाँ जी, परिक्रमा करते करते ना अपन बाबा बुढ़ा जी की बेरी को ना एक चक्कर मिलता। ये कितने भी नहीं है, परिक्रमा च किसी भी खूंजे दे विच नहीं, ये सिर्फ इत्थे ही है। ये चक्कर की बहुत ही खास गल है, क्योंकि इत्थे भाई सुखा जी तो शायद भाई हाकम सिंह जी ने ना मस्से रंगड़ का सिर लिया के सिटिया से। तो हूँ आप चुके हैं म्यूजियम से, जो सू शुरू च वीडियो दिखाया जी हले बंद सीगा, तो हूँ टाइम हो चुका सी, हूँ म्यूजियम खुल गया। तो मैं क्या अपने व्यूअर्स नूं दिखावां, तो इस म्यूजियम के अंदर सारिया फोटो ने जो जो सिख मिसल रहे, जो जो सिख इतिहास होया, हरेक तरह की नॉलेज आ इस म्यूजियम के अंदर। ये म्यूजियम जरूर देखो, तो अपने बच्चों भी दिखाओ, क्योंकि इतों बहुत नॉलेज मिलती है देखने। तो म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा सोहना बनाया, आप अणदेखा कर दें, बहुत ही वड्डा म्यूजियम आने वाले बहुत ज़्यादा, तो इनू अणदेखा ना करो, जरूर इस म्यूजियम के अंदर जाके आओ एक बार। दरबार साहब के गेटों से लंगर हाल है, ये रस्ता मुड़ता उठे चले जाइए, हूँ इधर आ रस्ता मुड़ता गा, तो अगे जाके जाऊँगा लास्ट आ लंगर हाल। लंगर हाल के नाल दी रस्ता जाता है, तो बहुत घट जाने इन पता। आ लंगर हाल की बैक साइड आ गई बंगे दे नाल दी, ओ काफी बंगा ये नाल दी। इत्थे एंट्री करते हैं, आ देखो बहुत घैंट लोकेशन है ये, तो दरबार साहब दे विच बहुत ये चीज़ बहुत बंदे अणगहली करते रहे। आ देखो इत्थों ये पूरा व्यू दिखता गा दरबार साहब का, देखो साले दर्शन दौड़ी आ गई। आप इतने आ गए दरबार साहब देख रहा सी ना, इतना इतने सारी जिहड़ी विच लगी है एज इट इज ये लाल किले के नाल दी लगी हुई है। आ देखो एक तरह सैंपल भी रखा हुआ रे कि ये दिखाने कि सिंघा ने दिल्ली भी जित के छड़ी हुई है, कि सिंघा ने एक बार नहीं बहुत बार दिल्ली जित के छड़ी हुई है, ये रख्या हुआ एक तरह का प्रूफ। देखो अगे जाके काफ़ी लोकेशन ने, जो आप इधर जाने ये उस टाइम कमरे वरते जाते हो गए, पर हूँ नहीं है। देखो बहुत पुरानी इटा लगे लाहौर ही, पर उम्मी पई है सारी लोकेशन। देखो देखो गेट लगे उस टाइम दे पुराना, ओ देखो सामने जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की फोटो लगी है। तो हूँ आप चलते हैं अगे नीचे, तरह सुरंगी कह सकते सुरंग नीचे चलते हैं दिखाने। देखो इतने पौड़ियाँ भी ना इस तरह दया ने खड़मी हुई, लोग रस्सी फड़ के आ रहे हैं नीचे पौड़ियों का, काफ़ी बजुर्ग ने काफ़ी डूंगा है नीचे उतर के नीचे चलने अंदर। काफ़ी हनेरा गा, थोड़ा थोड़ा चानना जी, आवाज़ गूंज रही है शायद आवाज़ सही ना आवे। देखो पूरी ठंडा किन्ना होए, ठंडा किन्ना ज़्यादा। हाँ देखो सारा एरिया, वो देख अगे इधर भी उत्तर का राह जाता पिछे, अरे लाइटा लगिया हुई ने, पर उस टाइम लालटेन वगैरह होगी। हाँ खूह आ गया, हाँ देखो ये उदो खूह होगा, पानी होगा इतने, पर हूँ तो यह सुकया पे गा, देखो सुटे पै सारा। हाँ इतू बाद इधरली कॉर्नर च एक कार कोठरी जी है, पता नहीं जहाँ थले राह जाता है बुंगे नू। हाँ तो एक तरह जिन्ना बुंगा उपर है उन्ना ही बुंगा नीचे है, ये नीचे राह जाता है, इधर ही राह उपर जाता है। हम आप फिर पिछे चलते हैं, तो जिधरों आए सी इधर ही खत्म हो गया आके। देखो इतने किसी टाइम जी जस्सा सिंह रामगढ़िया जी बैठते सीगे, उन्हां दी फोटो लगी है, वो आह तख्त पर बैठते सीगे। देखो
हाँ देखो इतने भी अंदर भी गोलियां निशान ने जिहड़ा साढ़े दिल ते हमेशा रहूगा। बहुत वड्डा साका होया है साडी सिख कौम च, बहुत ज़्यादा वड्डा, अंदर तक भी गोलियां निशान ने। देखो आह एक चीज़ मैं होर देखी इतने, ये आह सारी दौड़ी है जिते आप तुरे फिरते हो नीचे, आ देखो लाइट आ रही है ना इतने नीचे तुरे फिरते जितों आप तुरे फिरते होंगे, सारा उतों विंडोज ने, यह किसी नूं नहीं पता, आप उन्होंने देख रहे हैं, उन्होंने किसी नूं नहीं पता, आप इतों सारा कुछ देख सकते हैं। होप सो जिहड़ा जनरल सुबेग सिंह जी ने बनाया सी मोर्चा इतों भी गोलियां चलिया हुण, क्योंकि बहुत ही वधिया मोर्चा उन्होंने बनाया सी, बहुत सोहनी एक थां गई जो आप देखते नहीं गए दरबार साहब के विच ऐं छड्ड जाने अणगहली करके, जरूर आओ एक बार ये थां देखण। देखो इधर भी अगे नेरा, पर इधर अगे दिखाउणा मैं तुहानूं करके, देखता नहीं रहा मैनू। हाँ देखो आ रूम आ गया, सिर्फ चेयर पई है, सिर्फ रूम ने उस टाइम का इतने दरबार लगता वो रामगढ़ी है महाराजा रामगढ़ी है जी का, हूँ तो सिर्फ एक तरह देखने ही रह गया। आ एक खूह के नालों पौड़ियाँ जा रही उपर वालू, देखते हैं सानू कितने लगे नहीं कि राह बनती है, आ तो रहे हैं इतने कूड़ा करके तो बंद है, एक तरह नीचे उतरना आने का ही रास्ता है। चलो हम नीचे वालू जाने, जिधर दी आए थी उधर दी बाहर जाने हैं।